इसके कारण में जो हम अपनी इंडिया की सेल्फ में बताएंगे आपको, ये भी वही है, हम सीधे आपको ले चलते हैं। एक है जिसमें एक के माध्यम से एंट्री करती है, वो पोर्टल के माध्यम से हमारी संस्थाएं एंट्री करती है, ये दोनों से इसकी एंट्री देती जाएगी, जिसमें आपके समस्त में एंट्री को काउंट करता है। इसलिए आप जितनी सेवाएं देते हैं उसको अनमोल भी चढ़ाना चाहिए, आपका अनमोल ही बोलेगा कि आपने कितनी सर्विसेज दी है। और उसी के अंतर्गत संस्थागत मॉडल, संस्थागत मॉडल को हमने 3-4 महीने हो गए हैं। संस्थागत मॉडल से मतलब होता है आपकी जितनी PSCs हैं, जिसका RD क्रेडेंशियल दे दिया है और वो अपनी दी गई सेवाओं को अपने एनुअल पोर्टल के माध्यम से इसमें एंट्री कर डिलीवरी की है, सारी की सारी जाँचें उसमें डाली जाएगी। ये गुणवत्तापूर्ण सेवाएं हैं, हमने अभी इसके बारे में आगे हम बटन यूज होगा, हम उसको रजिस्टर करेंगे, उसकी सारी जाँचें देते जाएंगे और इसमें एंट्री करते जाएंगे। यदि किसी को हाई BP है, ऐसे थे कि बस समय काटने आए हुए हैं यहाँ पर, माता की डेथ रोकने के लिए, मदर की डेथ रोकने के लिए अपन बैठे हैं यहाँ पर। सारे डॉक्टर्स हैं, सेक्टर डॉक्टर्स भी ग्रामीण के हैं ना, जिसकी वजह से सर सेक्टर डॉक्टर्स हैं ना, सर सेक्टर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, जिनके PSC जो हेड करते हैं उनके अंडर में सब इंस्पेक्टर्स रहते हैं, वो बैठे हैं आपके नीचे की सभी आशा ANM बैठी हुई हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठी हुई ग्रामीण की। जिम्मेदारी मुख्य आप ही लोगों की है, सेक्टर डॉक्टर साहब जो बैठे हुए हैं, अगर आपके क्षेत्र में अब कोई इस तरह की डेथ होती है जिसमें लापरवाही पाई जाएगी तो मैं परेशान कर दूंगा आप लोगों को, ये ख्याल रखना, मजाक नहीं है। ये जो है आज अच्छे वातावरण में इसीलिए बुलाया गया आप लोग, कृपया करके हाथ जोड़ के नहीं बदले आप लोगों से कि जो दायित्व शासकीय विभाग में हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है हम सब आपको, कृपया करके उस सेवा को करें अच्छे भाव से, इस भाव से करें कि आपके बच्चे को जो आपने प्यार दिया है वो हर बच्चे को मिले हुए, ये भाव अगर आ गया हमारी आशा और आंगनबाड़ी में तो मेरे ख्याल से अगर कुछ 1-2% 90% से ज़्यादा हमारी अच्छा काम कर रही है आशा आंगनबाड़ी, 90% से ज़्यादा तकलीफ